हेलो एवरीवन, मार्वलस क्लासेस में आपका वेलकम है। तो आज हम पोएट्री में चैप्टर 2 द साम ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी मीनिंग है जीवन का धर्म गीत या जीवन का भजन, रीड करने जा रहे हैं। ओके, इसके पोएट हेनरी वॉर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हैं। ये अमेरिकी टीचर एंड पोएट थे। तो अपनी इस पोयम द साम ऑफ लाइफ में इन्होंने लाइफ का बहुत ही गंभीर नजरिया व्यक्त किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि यह जीवन एक वास्तविक सच है, मौत इसकी आखिरी मंजिल नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो इसकी मंजिल क्या है, आखिर इस लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, ये सब इस पोएम के थ्रू इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अनेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दो ऑल्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। रियल मीन्स वास्तविक, अनेस्ट मीन्स महत्वपूर्ण या दृढ़ संकल्प, ग्रेव मीन्स कब्र, डस्ट मीन्स मिट्टी, दो मीन्स तू या तुम, रिटर्नेस्ट मीन्स वापस जाओगे। पोएट कहता है कि जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प है, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में वापस जाना है, यानी कि मिल जाना है। या कथन आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, मीन शरीर के बारे में कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे ये मीन्स निकलता है कि ये जो हमारी लाइफ है ये वास्तविक है और महत्वपूर्ण है, कब्र इसकी मंजिल नहीं है। जैसा कि लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, अरे इतना करके क्या करना, इसी मिट्टी से आए थे और इसी मिट्टी में वापस मिल जाना है ना, ऐसा लोग कहते हैं। बट यहाँ पे पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यह बात केवल शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। ओके, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। एंजॉयमेंट मींस आनंद या मजा, सॉरो मींस दुख, डेस्टिन मींस भाग्य में लिखित, फर्दर मींस और आगे या उन्नति के रास्ते पर। ओके, अब यहाँ पे पोएट कहता है कि जीवन का लक्ष्य न आनंद है न दुख है, या हमारे भाग्य में लिखित यानी हमारे नियति का परिणाम या हमारा रास्ता नहीं है, किंतु हमें ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में हम अपने आप को आज से ज्यादा उन्नतिशील पा सके। ओके, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। ब्रॉड मींस विस्तृत, बैटल मींस युद्ध, विवक मींस अस्थाई पड़ाव या कैंप, डम मींस गुंगा, कैटल मींस पशु, स्ट्राइफ मींस संघर्ष। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि यह दुनिया विशाल युद्ध भूमि है, यानी कि बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। हमारा जीवन इस युद्ध भूमि में अस्थाई पड़ाव है। हमें गूंगे पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, मींस जो जबरदस्ती हाके जा रहे हों, बल्कि इस संघर्ष में वीर की भांति जीना चाहिए। ओके, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फैट, स्टिल असेविंग still pursuing, learn to labor and to wait. Be up and doing means खड़े हो और काम करने में जुट जाएं. Fate means भाग्य या नतीजा. Still means फिर भी या अब भी. Achieving means प्राप्त करना. Pursuing means अनुसरण करना या पीछा करना. To labor means परिश्रम करना. To wait means इंतजार करना. अब यहाँ पे पोएट कहता है कि यह सब ध्यान में रखकर पूरे भरोसे के साथ अपने दिल को किसी भी नतीजे का
सामना करने के लिए दृढ़ बनाकर खड़े हो जाएं, अपना काम करने में जुट जाएं। अब सफलता प्राप्त करते रहें, फिर भी सफलता प्राप्त करते रहें, यानी कि सफलता पे सफलता प्राप्त करते रहें। मेहनत से सीखें और इंतजार करें। इसका मीन निकलता है कि अपनी मेहनत से और सीख लें और उस मेहनत का जो फल है उसका इंतजार करें। ओके, देन आई होप हमारा आज का टॉपिक आपको एकदम समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके बाय।